जय गुरु, आप सभी का हार्दिक स्वागत है बिहार स्टेट लेवल यूथ कॉन्फ्रेंस में, जो कि परम पूज्यपाद आचार्य देव सुशी दादा के 88th जन्म तिथि के उपलक्ष में बिहार यूथ द्वारा आयोजित किया गया है। आइए हम सभी मिलकर के इसका आनंद लें। जय गुरु। जय गुरु। अब हम लोग एक मिनट में प्रेयर शुरू करेंगे। मुकेश कुमार फ्रॉम बरौनी, वो प्रेयर करके सत्संग का कड़ी को स्टार्ट करेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया अपना माइक और कैमरा ऑफ रखेंगे। टाइम हो गया है, मैं शंख नाद कर देता हूं। मार बार कर दीन तेरा घसवानी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में यही होगत खेरा। जगत जीव वर मत फिर नित चार धारी, ज्ञाने जो भी दिल रहे सब मन की हारी। भाव जगा मेरा याद का दिल शर गुरु आई, राधा स्वामी धाम का यही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है वह अधर ठिकाने, मेरा संत पावे नहीं सब शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की महु महु बसुनाई, मेरा अनुराग जगाई के मर पहुँचो भाई। साधु संग कर सार रस मैंने दिया घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नयाई। कर पौधे देखल रहो कस दिया घर जाई, दर्शन रशन करित लहु मन मन फिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चल पर निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रह चित्त उदासा, बिना ईश्वरों की कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई सब रथ नहीं जिसे मांगू दाना, प्रेम धार बरखा करो पर अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सुचर करूंगा व्रत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई सब रथ नहीं जिसे मांगू दाना, प्रेम धार बरखा करो पर अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूंगा व्रत रहो नित राधा स्वामी। शुक्र करो दावत रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोर कर सविनय करू पुकार, साधु संगम ही देव नित
परम गुरु दातार कृपा सिंधु सागर पुरुषा आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम प्रभु मैं तुम सदा आभार बार बार बन जाऊं तन मन वार चरण पर क्या मुखरे मैं गाऊं नगर करे जस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेवा लया सिंधु पुरन धरे नीत करो तुम सेवा अचल भक्त मुनि देव प्रभु कृपानिधि काम क्रोध मद सब विधि अवगुहार में पवरा क्यों मेरे लाज तुम द्वारे मैं पड़ा प्रभु स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर दक्षा तुम द्वारे अति विलंब की दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दान दुख सुख कछु जाते नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दान दुख सुख कछु जाते नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोर कर सविनय करो कृपान साधु संगम ही देव नित परम गुरु दाता साधु संगम ही देव नित परम पितांबर गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं चराचरं तद्वदन्नशितं तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाका चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं दत्तं येन तस्मै चराचरं तद्वदन्नशितं तस्मै श्री गुरवे नमः चित्रूपेण परिव्याप्तं त्रिलोकं सचराचरं तद्वदन्नशितं तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरधिकं तद्भुतं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात्तन्नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथो भद्रो श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिरनादिश्व गुरुर् परं दैवतं गुरुपुत्रं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं ब्रह्मशोकदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वं सारलक्षणम् एकं नित्यं विमलं चरं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणहितं सर्वं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। ठीक है, अब प्रेयर हो गया है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कृपया करके अपना वीडियो और माइक ऑफ रखें, सत्संग के बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है। मैं सभी को बोल रहा हूँ आप अपना वीडियो कैमरा और माइक ऑफ रखें, कृपया मेरी बातों को ध्यान दें। ठीक है, अब हम लोग 2 मिनट का नाम ध्यान करेंगे।
मेरा नाम ध्यान का टाइम हो गया है, तो अब हम लोग सत्यानुसरण का पाठ करेंगे। सत्यानुसरण का पाठ करेंगे राम किंकर सिंह दरभंगा से। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री हस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण से पाठ। यदि तुम्हें आदर्श की बात बोलने में आनंद, सुनने में आनंद, उनकी चिंता करने में आनंद, उनका हुक्म पाने पर आनंद, उनके आदर में आनंद, अनादर में भी आनंद हो, उनके नाम से हृदय उछल पड़े, मैं निश्चय कहता हूं अपने उन्नयन के लिए तुम और नहीं सोचो। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के शाश्वती ग्रंथ से पाठ। यदि सुनने की इच्छा रहे तो सुनो, यदि सत्ता को समृद्धशाली बनाना चाहते हो तो इष्ट से युक्त हो, उनकी सेवा में अर्थात उनके परिरक्षण में, परिपोषण में, परिपूरण में जहां तक हो सके स्वयं को नियोजित करो और उनके ही उपदेश के अनुसार जितना संभव हो अपने को नियंत्रित करते रहो। क्रम क्रम ही उपयुक्त बनोगे, वृद्धि की ओर बढ़ोगे, तुम में धर्म बल भी क्रम से प्रबल हो जाएगा, सार्थक होगे तुम, समृद्ध होगे तुम। वाणी संख्या 202। अब सत्यानुसरण का पाठ हो गया है, तो अब हम लोग भजन की तरफ बढ़ेंगे। तो भजन में सुनील कुमार बेगूसराय से। अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, जय गुरु दादा, जय गुरु दादा, भजन शुरू करें। जय जी दादा, जय गुरु दादा, जय गुरु दादा, जय गुरु दादा। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? गुरु भात चलो मद भाई, नेटवर्क में रखना मोबाइल। गुरु भात चलो मन भाई, ये सूरत चादरिया ले घुमाए, सूरत चादरिया ले घुमाए, भात चलो मन भाई, गुरु भात चलो मन भाई, सेवा साबुन दर्शन मंजन प्रेम कनीर भराई, सेवा साबुन दर्शन मंजन प्रेम का नीर भराई, वचन गिरे भाव की भांति, वचन गिरे भाव की भांति, विरह की अग्नि जराई, विरह की अग्नि जराई, भात चलो मन भाई, गुरु भात चलो मन भाई। Thank you.
भक्ति नदी जहाने से दिन बहते मल मल पाने मैल गवाई भक्ति नदी जहाने से दिन बहते मल मल पाने मैल गवाई उज्जवल निर्मल तुई सूरत जब उज्जवल निर्मल तुई सूरत जब ओढ़त मन अब अति हर साई ओढ़त मन अब अति हर साई साथ चलो मन भाई गुरु साथ चलो मन भाई चला गगन पर मिला शब्द संग आपकी आवाज नहीं आ रही है दादा। हेलो सुनील दा आपकी आवाज बीच में रुक गई, कंटिन्यू कीजिए। चलो मन भाई गुरु नाथ चलो मन भाई भवर गुफा पर सोहंग सोहंग सतलोक सत सोहंग गाई भवर गुफा पर सोहंग सोहंग सतलोक सत सोहंग गाई अलख अगम को देखत देखत अलख अगम को देखत देखत राधा स्वामी चरण गाए समाई राधा स्वामी चरण गाए समाई साथ चलो मन भाई गुरु नाथ चलो मन भाई ये सूरत सदरिया देव धुआई सूरत सदरिया देव धुआई साथ चलो मन भाई गुरु नाथ चलो मन भाई गुरु नाथ चलो मन नाथ चलो मन नाथ चलो मन भाई जय गुरु दादा जय गुरु बाबा। बहुत अच्छा भजन हुआ आपका भजन भाव बहुत ही अच्छा था बहुत अच्छा लगा जय गुरु। अब मैं टेक्निकल टीम से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया आदित्य रंजन शरण को को-होस्ट बनाया जाए जो कि मैं हूं और आनंद रंजन शरण को भी को-होस्ट बनाया जाए जो कि मेरा भाई है। अगर मैं को-होस्ट नहीं हूं तो मुझे कंट्रोल करने में तकलीफ हो रही है ठीक है। मैं जब माइक ऑन करना चाहता हूँ तो ऑन नहीं हो पा रही है तो कृपया इस पे ध्यान दे टेक्निकल टीम। एक रिक्वेस्ट आया है
जितने भी हैं मैं सारे लोग अपना वीडियो और माइक ऑफ रखें। मैं कृपया ध्यान दें, दिस इज यूथ कॉन्फ्रेंस, ये युवा लोग का ही सत्संग है, ये दादा का आशीर्वाद है युवा लोग के लिए, इसको कृपया ध्यान में रखें। और बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपना वीडियो और माइक बंद रखें। मैं फिर बोल रहा हूँ, अपना वीडियो और माइक बंद रखें। संचालन करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग के कोऑपरेशन से ही ये चलेगा। आप लोग जब तक कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक सत्संग सही नहीं जा सकता है। कृपया ध्यान दे और टेक्निकल टीम मेरी बात पे भी ध्यान दे। अदित, पॉइंट नोट कर लिया गया है। अब मैं सभी प्रतिभागी जो यहाँ हैं, मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि देखिए, अगर हम लोग यहाँ से एक बार एक बटन दबा देते हैं, म्यूट टू ऑल एंड म्यूट वीडियो फॉर ऑल, प्लीज आप लोग म्यूट रहें और अपने अपने वीडियो ऑडियो को ऑन करना कोशिश ना करें। और टेक्निकल टीम इज ऑलरेडी इन एक्शन, अभी सबके आवाज और वीडियो स्टॉप होगा और उसके बाद केवल जो प्रोग्राम में बात करेंगे उन्हीं को ऑन किया जाएगा। प्लीज गिव अस वन मिनट, आदित्य आप तक नेक्स्ट प्रोग्राम चालू रखे, हम लोग ओके दादा। हम लोग आनंद उठाए काफी दादा, प्रेम भाव से बहुत अच्छा से ठाकुर जी के अरे तो भजन अर्पण किए। अब हम लोग आगे चलते हैं दूसरे भजन की तरफ, जिसको प्रस्तुत करेंगे धृति सुंदरलाल पटना से। जय गुरु भैया, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज मिल रही है धृति भैया? दीदी दीप्ति भैया, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप अपना माइक ऑन करें। टेक्निकल टीम प्लीज हेल्प दीप्ति सुंदरलाल फ्रॉम पटना टू अनम्यूट हिज माइक। आई बीन अनम्यूटेड नाउ। यस, जय गुरु। अब आवाज आ रही है, आप शुरू करें भैया। ठीक है, बाकी अनिल कुमार जी, अनिल जी आप वीडियो ऑफ रखें। मेरे ठाकुर जी की वाणी परमानंद की खानी, ओ मेरे ठाकुर जी की वाणी परमानंद की खानी, सारा जगत भजनवा हो तेरा भक्ति भजनवा हो तेरा भक्ति भजनवा।
Thank you.
बहुत ही आनंद के स्वाद में बहुत ही अद्भुत भजन का हम लोगों ने मिलकर के आनंद लिए, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही ठाकुर जी का दिव्य दिव्य घटना जो भजन के वजह से हम लोगों से पता चला, संसार झूमेला ये सब ठाकुर जी के वजह से ही तो संभव हुआ। और इसी पे मेरे को एक कवि की घटना याद आ रही है, उनके मुख से परम दयाल के लिए एक वाणी फूट पड़ी थी, वो थोड़ा मैं आप लोगों को सामने रखना चाहता हूँ। वो बोल रहे थे, प्रेमे राजा प्रेमे सिंहासन प्रेमे दंड प्रेमे शासन। इसका हिंदी अनुवाद हुआ, प्रेम का राजा प्रेम का सिंहासन प्रेम का दंड प्रेम का ही शासन। कितना अमृत वचन परम दयाल के लिए निकाला गया है, तो अद्भुत बहुत ही अच्छा लगा। ये भजन सुन के सभी लोग बहुत खुश हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल टीम से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। टेक्निकल टीम आप कृपया करके, बहुत लोग जो मेरे को आई रिसीव सो मेनी ऑफ कॉल्स फ्रॉम देम, तो आप उन लोग को ज्वाइन करने में थोड़ा कोऑपरेट करें। दे कांट एबल टू ज्वाइन दिस मीटिंग, ओके, तो यू कैन हेल्प देम। तो अब हमारे बीच श्रद्धेय शिवानंद प्रसाद SPR जो असिस्टेंट सेक्रेटरी सत्संग देवघर से हैं, हम लोग को अपनी कुछ बातें सुनाएंगे। शिवानंद दादा, सत्संग और यूथ कॉन्फ्रेंस बिहार स्टेट लेवल में उपस्थित सभी को मेरा आंतरिक राह जय गुरु। यूं तो ऑनलाइन सत्संग कोरोना पीरियड का देन है, ऐसी अवस्था में हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, इस सत्संग के माध्यम से, ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से अपने प्रिय परम की बातें एक दूसरे से कहते हैं, सुनते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। और ये एक आपात उपाय है, जब सब चीज स्वाभाविक हो जाएगा तब ये आपात धर्म से हम लोग फिर वो स्वाभाविक अपने जिस तरह से सत्संग में घर में आसन बैठाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक्टिविटीज के साथ हम लोग करेंगे। फिलहाल अभी भी सावधानी के लिए हम लोगों को इस सत्संग में ही कनेक्ट होना पड़ेगा। सारे भारतवर्ष ही नहीं, बहिर भारत में भी एक दिन में हजारों ई सत्संग हो रहे हैं, उससे लाखों लोग कनेक्टेड हो रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? हम लोगों के यहां एक प्रचलित धारणा है, सत्संग होने का मतलब कुछ लोग प्रवचन करेंगे, कुछ लोग प्रवचन सुनेंगे और मैं जस का तस बना रहूंगा। ये कटु सत्य है लेकिन सत्य है। हम लोग अपने आप से ही पूछे, कहीं 100, कहीं 150, कहीं 200 सत्संग हो चुका है, अटेंड भी कर चुके हैं, वक्तव्य भी रखे हैं, लेकिन मेरे अंदर में डेवलपमेंट क्या कुछ हुआ है? अब इमैच्योर्ड वे में चलने से नहीं होगा। परम पिता का आश्रय जिनको मिला है, संधान जिसको मिला है, उनकी इच्छा को मूर्त करने का ही हम लोग संकल्प लिए हैं। आज से इष्ट प्रतिष्ठा करना ही मेरा जीवन का यज्ञ हो। ठाकुर चर्चा करना ईश्वर इष्ट प्रतिष्ठा नहीं है, ठाकुर चर्चा सुनना भी नहीं है, उनके इच्छा अनुरूप कर्म में रूपायित करना। बार बार ठाकुर बोलते हैं, कर्म नहीं चिंता सौत पाथर पेछर नरक पथ, कर्म विहीन जो सत चिंता है
उसको नरक पथ का हमको यात्री बना देता है। इसीलिए प्रति मुहूर्त में मुझे ये सोचना होगा कि हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है। आज खास करके मैं बिहार के कुछ लड़कों लोगों से बात किया, साधारणतः सत्संग में क्या होता है, बुजुर्ग लोग बैठ जाते हैं, अपने बच्चे लोगों को उतना इंस्पायर भी नहीं करते हैं, बच्चे लोग भी सोचते हैं ये तो बुजुर्ग लोगों का बात है, सत्संग वगैरह धार्मिक अनुष्ठान ये सब तो उन लोगों के लिए, वो भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और क्या होता है, ठाकुर जी जो बात बोले हैं, धर्म करने का उपयुक्त उम्र है, कम उम्र में धर्म होता है, बूढ़े उम्र में धर्म नहीं होता है। कौन सा धर्म? जो धर्म ठाकुर जी दिए हैं, बचने बढ़ने का धर्म। बचने बढ़ने का धर्म मतलब उसको वो पथ मिलता है जिस पथ से उसका जीवन सुंदर हो। यदि हम अपने ढंग से पटना घूम घूम करके आ गए, भटकते रहे, यार लौटने वक्त कोई मुझे पटना का रोड मैप दिया तो उससे मेरा काम नहीं होगा, अफसोस होगा, रोड मैप पहले मिलता तो मैं इतना भटकता नहीं। उसी तरह से जीवन का रोड मैप जो ठाकुर जी दिए हैं, इसको यूथ को देखना है, बहुत सारा विभ्रांति दिमाग से हटा देना है। ठाकुर जी का धर्म करने में मेरा पढ़ाई लिखाई गड़बड़ा जाएगा और मेरा आनंद नहीं होगा और हम लोग एक दूसरे से ही नहीं कर पाएंगे, मिलजुल नहीं कर पाएंगे, हंसी मजाक नहीं कर पाएंगे, ये सब बात नहीं है, बल्कि और अच्छा से करेंगे। ठाकुर जी का धर्म ठाकुर 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 बोलते रहना ही ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुर जी का धर्म मोस्ट साइंटिफिक एस्पेक्ट है, ऑलराउंड मुझे डेवलप करेगा। हमने देखा है जो ठाकुर जी को लेकर के चला है उसका करियर जो चाहे वो बन सकता है, बना है, जो चाहे वो, क्योंकि उसको रास्ता मिलता है, उसके जीवन में कंसंट्रेशन आता है, उसका जीवन कंसंट्रिक होता है, उसका जो अंदर जो उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो अनप्लग्ड होता है। जीवन का दो रास्ता है, या तो मेरा जीवन एक्सेंट्रिक होगा या कंसेंट्रिक होगा। एक्सेंट्रिक होने से रास्ते के कुत्ते के जैसा होगा अवस्था, जब जो मिला खाए, वोमिट किए, लाठी खाए, फिर इधर गए उधर गए ऐसा। और यदि मेरा जीवन में कोई आदर्श होगा तब क्या होगा, तब उस समय मेरा जीवन एक मास्टर डॉग के जैसा होगा, वो जब जो बोलेंगे वो हम करेंगे। लावारिस माल बन करके जीवन में रहने से कोई फायदा नहीं है, मालिक का माल बनना है। आप पूजा पाठ जो भी हम करते हैं, यदि जीवन में जीवन तिष्ठ नहीं है, लिविंग आइडियल नहीं है, तो मन ग्रंथ मन की पूजा है। उसको हम आप सब लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसलिए जो लोग भी अभी यहां पर हम लोग बैठे हैं, ठाकुर से युक्त हुए हैं, अब उनको एक्सप्लोर करने का समय है। हम जो युक्त हुए हैं, हमको जो रिसोर्सेस मिला है, उसको मैं दैनंदिन जीवन में कैसे मैं उसको एक्टिवेट करूं। फरवरी महीना में पूज्यपाद बावैदा उसने सिपाहीदा के साथ मुझे बहुत सारा ऑल अदर स्टेट्स जाने के लिए बोले थे, कुछ सिंपल कुछ बातें बोलने के लिए। चेन्नई गया, बेंगलोर गया, उसके बाद हैदराबाद गया, मुंबई गया, बहुत सारे जगह में गया। वो सिंपल एस्पेक्ट्स है, कम से कम उसको हम आज हम जो लोग यहां पर हम लोग अभी बैठे हैं उसको हम लोग एक्टिवेट करें। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये ड्यूटीज है। आज यहां से प्रवचन सुन के हम हटेंगे नहीं। ये जो ड्यूटीज है, जिनके पास पेन है कलम है वो लिखते भी जाएंगे। पहला बात, पुरुषोत्तम को ग्रहण किए हैं, पुरुषोत्तम होते हैं सभी देवताओं के समाहार से होती है पुरुषोत्तम की सृष्टि, सहज मनुष्य नर रूप में करते हुए धृति दृष्टि। पुरुषोत्तम का एक अलग आसन हमारे घर में रहेगा, चाहे काठ का आसन बनावे, संगमरमर का बनावे, किसी तरह से कूट का भी हम अच्छा से बना करके डेस्क करके अलग आसन रहेगा, ठाकुर का, बर्मा का, बौद्धा का, आचार्य देव का।
हम लोग जितने लोग यहां पर अभी बैठे हैं 429 आदमी तो देख रहे हैं, हर आदमी अपने घर में इस आसन को हम लोग तैयार करें। जिस ढंग से हम लोग आसन रखते हैं, सब लोग देखे हैं, जानते हैं, परिचित हैं, सभी देवताओं के भीड़ में पुरुषोत्तम को नहीं रखते। पुरुषोत्तम का आसन अलग ढंग से रहना चाहिए। दूसरा बात है, दीक्षा के समय हम लोग बहुत सारे बातें सुनते हैं, बहुत सारे बातें दिमाग से हट जाती है। ठाकुर जी बोलते हैं, उषा निशा मंत्र साधन चलते फिरते जब, यथा समय इस निर्देश मूर्त करना ही तब। उषा निशा हमें मंत्र साधन करना है। आवाज जा रही है तो जी दादा, आवाज जा रही है, बहुत अच्छा आ रहा है आवाज। तो बावायदा हम लोगों को दया करके ये बात बोले हैं, जो लोग एकदम नाम ध्यान में नहीं बैठ पा रहे हैं, सोच रहे हैं आधा घंटा 40 मिनट ध्यान करने की बात कही गई है, उषा निशा ये हमसे संभव नहीं होगा, वो कह रहे हैं कम से कम 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट ठाकुर के पास आसन लगा के हम बैठेंगे। जो नाम ध्यान करने की जो पद्धति बताई गई है, ठाकुर का रूप गुण को चिंता करते हुए, उनके प्रति आनति रखते हुए, प्रेम रखते हुए नाम करेंगे 5 मिनट्स ओनली। जो लोग एकदम नहीं करते हैं, जो कर रहे हैं उसको नहीं कह रहे हैं आधा घंटा के जगह पर 5 मिनट कीजिए, लेकिन जो एकदम नहीं कर रहे हैं वो 5 मिनट ठाकुर के पास नाम ध्यान करेंगे। और एक बात है, हम लोग सवेरे शाम प्रार्थना करते हैं, हो सकता है सभी के लिए, हम लोगों के अंदर में कमजोरियां होती है, वित्तीय परिचालित होते हैं, नहीं हो पाता है दोनों बेला, तो दोनों बेला नहीं हो पाता, मैंने महीनों नहीं कर पाते हैं। अब कम से कम बावैदा बोल रहे सप्ताह में एक दिन परिवार के सबके साथ बैठ करके सवेरे हो या शाम का प्रार्थना जरूर करना है। शुक्रवार का दिन, रविवार का दिन, एक तो दिन ठीक करके कैलेंडर में मार्क करते जाना है, परिवार के सब लोग मिलकर के बैठ करके उस दिन ठाकुर का प्रार्थना करेंगे, पाठ करेंगे। उसके बाद है सत्यानुष्ठान का रोज पाठ करना। छोटी सी पुस्तक है, आप लोग जानते हैं इस पुस्तक को जब दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के पास, बार बार पूछ रहे थे किसका लिखा हुआ है, उस समय ठाकुर जी का 22 साल उम्र था, तो बोलते हैं मुझे नहीं लगता है कोई आदमी का लिखा हुआ है, ये साक्षात ईश्वर का निर्देश है, इस युग का गीता है। मैं दावे के साथ कहता हूं आपके जितने भी समस्या है सबका समाधान इस सत्यानुसरण में है। रोज एक पैरा जरूर पाठ कीजिए, दाग देते रहिए, आज एक पैरा कल दूसरा पैरा, खत्म होगा फिर रिपीट कीजिए, अनंत सागर है, ये करना है। उसके बाद दीक्षा के समय हम संकल्प लेते हैं खाने पीने के पहले थानकुनी पत्ता का सेवन करना। बहुत झंझट लगता है, कहां पत्ता मिलेगा, क्या मिलेगा, यहां पे बिहार में हम लोग थानकुनी बोलते हैं, बहुत जगह उसको बोलते हैं ब्रह्म बूटी भी बोलते हैं, खोज ले लीजिए। ये थानकुनी पत्ता मिरेकल ड्रग है, इसका सेवन कर जो लोग किए हैं सारा जीवन, उनको कभी डॉक्टर के पास जाते हमने नहीं देखा है। इसको घर में उगाया जा सकता है, झाड़ी के जैसा उग जाता है, गमला में कहीं जगह एक जड़ को लेके लगा दीजिए। इस थानकुनी पत्ता जहां पर मान लीजिए कोई ज्यादा करके उगा रहे हैं, उसको वो सुखा करके उसका टेबलेट करके वो अपने जगह में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए दरभंगा में एक आदमी है तो उस सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इससे उपार्जन भी होगा, अवश्य करेंगे। कुछ तो एक्टिविटीज करें, ठाकुर को जब ग्रहण किए हैं देखिएगा, इससे बहुत सारा आपका स्वास्थ्य समाधान हो जाएगा। रोज सवेरे उठ करके इष्टभीति करने के बाद अपने मां पिताजी को प्रणाम करना, ये सब बहुत छोटी चीज लगती है, बहुत सामान्य चीज लगती है, लेकिन इस सारा जीवन को आपको नियंत्रित करेगा। एक बार हिचक होगी लेकिन
आप एक बार करने लगिएगा कितना आनंद होगा, और आपको करते देख करके भविष्य में आपके बच्चे भी आपको प्रणाम करने लगेंगे। अवश्य है उनके लिए कुछ करना, पिताजी के लिए उनका जूता को पॉलिश कर दिए, मां के लिए एक बाल्टी पानी ले आए, ये सब छोटी छोटी बातें ठाकुर जी ने जो बोला है उसको एक्टिविटीज में, ठाकुर जी बोले धर्म को प्रत्येक कर्म के माध्यम से रूपायित करो, ये बड़ा बड़ा कोई फिलोसफी नहीं है, हर आदमी इसको कर सकता है। और ठाकुर जी का संग करना, जैसे नाम ध्यान करके उनका संग होता है, ठाकुर जी जो बातें बोले हैं बहुत सारे बातें हिंदी में अनुवाद है, एक जीवन में खत्म नहीं हो पाएगा। ठाकुर की मासिक पत्रिका सातवती निकलती है, अभी तो ऑनलाइन आ रहा है, उसको दैनंदिन पढ़ना, इतना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सब है उसमें, आपका करियर के लिए भी काम में आएगा, जो अभी जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी काम में आएगा, उनका इंटरव्यू हो, उनका रिटन एग्जाम हो, आप देखिएगा कितना सुंदर वो कोऑर्डिनेशन आपके अंदर डेवलप करेगा। रोज ठाकुर का लिटरेचर 5 मिनट 10 मिनट 5 पेज 10 पेज जरूर पढ़ना चाहिए। और जिनके प्रति ऐसा मेरा प्रेम उनके प्रति होना चाहिए, उनका दर्शन करने के लिए मन छटपट करता रहे, हम जहां भी रहे कम से कम 6 महीना में एक बार ठाकुर दर्शन करने जाएं। लोग विदेश से आते हैं, एक बेला रहते हैं, दर्शन करते हैं, हो सकता है दूर से ही आचार्य देव का दर्शन हुआ, नहीं हुआ, वहां आसन पर माथा टेक के चले जाते हैं। हम लोग बिहार के लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि उनकी लीला भूमि हम लोगों के पास में है, हमको आने के बाद जगह मिलेगा, रूम मिलेगा, प्रसाद मिलेगा नहीं मिलेगा, उसमें हमको नहीं सोचना है, तो तीर्थ के लिए आए हैं, ग्रंथि का मोचन करने के लिए आए हैं, ग्रुप बना बना करके एक एक ड्रेस अपना बना के रखेंगे, व्हाइट सादा हाफ पंजाबी, धोती नहीं हुआ तो कम से कम सादा पैजामा ऐसा पहन करके एक ग्रुप कर करके। मुझे बड़ा शौक लगता है जब आसाम से, उड़ीसा से, बंगाल से आप लोग अभी से ग्रुप बनाएंगे, कोरोना का काल जब खत्म हो जाएगा सब, जब स्वाभाविक रूप से आना जाना शुरू होगा, आप लोग आए ठाकुर जी का दर्शन कीजिएगा, आचार्य देव का संग दर्शन कीजिएगा, पूज्यपाद बावैदा का संग दर्शन कीजिएगा, तब जो इंस्पिरेशन मिलेगा हजारों बातों से वो इंस्पिरेशन आपको नहीं मिलेगा, हजारों किताब पढ़ने से वो नहीं मिलेगा, एक अजब सा एक आनंद आएगा, आपको महसूस होगा इतना दिन हम क्यों वंचित थे। ये करना है। और एक बात है जो हम लोग रोज जब स्वतः अनुज्ञा पढ़ते हैं, जाजन जय परमानंद, दैनंदिन जाजन करना होगा, इष्ट चर्चा करना होगा, इष्ट सेवा करना होगा। आप लोग जानते हैं आचार्य देव श्री दादा जिस समय जो आशीर्वाद दिए वो पूर्ण हुआ है, कभी एक क्वार्टर में 1 लाख दीक्षा भी नहीं होती थी, वो बोले 5 लाख दीक्षा हो गया, 10 लाख 15 लाख 17 लाख तक एक टर्म में दीक्षा हुआ है, कुछ बात बावैदा 100 दिन के परिक्रमा में 4.5 लाख दीक्षा हो गया। उस समय हम लोग बिहार में सिर्फ 2 जगह पटना और रांची में व्यवस्था किए थे, बिहार में तो एक ही जगह पटना 2000 समथिंग दीक्षा हुई थी, हम लोग उस आशीर्वाद से वंचित रहे हैं। अभी हम लोग ऐसा करें कम से कम 20-25 जगह एक ऐसा ठीक कर ले, ये सब जगह बावैदा आने से 1000 दीक्षा का हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। ये सब अरेंजमेंट यूथ को, यंग लड़का को करना है। ये दीक्षा मतलब शिक्षा जो देता है, ऐसी दीक्षा, बिना दीक्षा का शिक्षा का प्रचलन हमारे यहां नहीं था, इसीलिए इसके लिए हम लोगों को एकाइत होना जरूरी है, यूथ फोरम में को एक साथ रहना जरूरी है, एक दूसरे को इंस्पायर्ड होना जरूरी है, इसमें कोई बड़ा छोटा, कोई लीडर, कोई इंचार्ज, ऐसा कोई बात नहीं है,
इंटीग्रेट करेंगे, जो कुत्ता है वो नेता है उसके साथ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और प्लान करेंगे। ये जो अभी आचार्य देव 3.5 करोड़ दीक्षा के बाद बोले हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं। हम एक प्रोजेक्ट लिए हैं कि हम 100 आदमी ऐसा ढूंढ रहे हैं, उनको कहे हैं कि आप लोग 100 लड़का को ऐसे ढूंढिए जो 100 दीक्षा करा सके। उसमें 40 आदमी तैयार हो गए। आप लोग आज जितने लोग यहां पर हैं इस सत्संग में, इस यूथ कॉन्फ्रेंस में, आप लोग मन में अपना संकल्प कीजिए, 5 से 10 से 15 से ही हो, जब ये कोरोना स्थिति खत्म हो जाएगी हम लोग उस तरह से दीक्षा के लिए, मास दीक्षा के लिए प्रस्तुत होंगे। अभी 1 ठो 2 ठो 4 ठो 5 ठो वो सारा जो डिस्टेंसिंग, वो सैनिटाइजेशन और मास्क ये सब को यूज करते हुए हम लोग इसको चालू कर दे अभी से। इसीलिए स्टार्ट कर देना है। जितने भी यूथ यहां से कनेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम होने से आप हमको कभी भी फोन कर सकते हैं। मैं कुछ लड़कों लोगों को ठीक किया हूं जिससे मैं परिचित हूं। ये जो पटना में है डॉक्टर संदीप है, आदित्य शरण है, डॉक्टर अमूल है, विश्व रंजन है, सतपति है, इन लोगों से कनेक्ट कीजिएगा। जो लोग जो ऋतिक से परिचित है उनसे कनेक्ट कीजिएगा। किंकर है दरभंगा में, बालमुकुंद है, उसके बाद ये राजेंद्र जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, उन लोगों को अभी हम रहने बोले हैं कि उन लोग कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करके रखे हैं, वो क्वेश्चन सब हमारे सामने में इस काम को करने में कहां क्या असुविधा होती है उस विषय में करेंगे बाद में, हम हमारा बात जो सब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग कनेक्ट हो जाइए। बिहार में बहुतों को मालूम ही नहीं है कहां कहां मंदिर है, कितना मंदिर है, कितना केंद्र है। मैं एक झलक आप लोगों को बता दे रहा हूं, जो जहां पर है उनके आसपास का खोज खबर लीजिएगा। जैसे अभी बिहार में कहां कहां श्री मंदिर का उद्बोधन हुआ है, पटना, मुजफ्फरपुर, बरौनी, कटिहार, छपरा, पूर्णिया, दरभंगा, बिहार शरीफ, दानापुर, श्री मंदिर का शिलान्यास हुआ है, जहां काम शुरू हुआ या शुरू होने वाला है, भागलपुर, सुपौल, सहरसा, समस्तीपुर, अरेराज। आप लोग जानते हैं लगभग 3 साल हो गया कुछ बात बावायदा इस सब जगह शिलान्यास किए हैं, अभी तक ठीक से काम शुरू नहीं हो पाया है। ये दुर्भाग्य का बात है हम सभी बिहारवासियों के लिए। एक बार लग जाएंगे तो सब लोग हो जाएगा। उसके बाद केंद्र मंदिर जहां जहां है, जहां अंडर कंस्ट्रक्शन है, बेगूसराय में विशाल केंद्र बन रहा है, सीतामढ़ी में जमीन लिया हुआ है ठाकुर जी का, सरधो भागलपुर में भी केंद्र का काम चल रहा है, कहलगांव लगभग कंप्लीट है, हाजीपुर में कंप्लीट है, मोतिहारी में चल रहा है, कन्हरिया में भी कंप्लीट हो गया है, रानीगंज जो अररिया जिला में है वहां जी जमीन है, त्रिवेणीगंज, बीरपुर, भवानीपुर, राजगीर, कदवा में उद्बोधन हो चुका है, भोगांव में भी एक केंद्र है, आजमनगर में भी केंद्र है, किशनगंज में केंद्र है, बिहारीगंज में है, मुरलीगंज, बरहरा कोठी, सिवान में भी जमीन का बाउंड्री वाल वगैरह सब हो गया है, सतेह सीतामढ़ी जिला में वहां भी जमीन लिया गया है, बख्तपुर बेगूसराय जिला में वहां भी जमीन है, दरवारा में भी केंद्र का काम चल रहा है, साहेबगंज में ऑलरेडी केंद्र है, मुजफ्फरपुर का साहेबगंज में, जमालपुर में ठाकुर जी का केंद्र बन चुका है, खगड़िया में भी बन रहा है, बारसोई वहां भी ठाकुर का केंद्र है, फॉरबिसगंज में भी केंद्र है, हासा में भी केंद्र है, भपटा में भी ठाकुर जी का जमीन लिया हुआ है। इतने सारे जगह 44 जगह है, बहुत जगह है, मंदिर चल रहा है, हम लोगों को खोज लेने का जरूरत है। मंदिर में ठीक ठीक प्रार्थना हो रहा है या नहीं, पाठ हो रहा है या नहीं, ठाकुर का भोग हो रहा है या नहीं, मेंटेनेंस का क्या खर्चा है। मान लीजिए एक एक जगह में एक मेंटेनेंस का 1,000 रुपया डेली खर्चा है, महीना में 30,000 रुपया खर्चा है,
हम ऐसा करें 365 आदमी को ढूंढे जो साल में 1000 रुपया देगा, तो मेरा साल भर का खर्चा मंदिर का हो जाएगा मेंटेनेंस। इसको एक्टिवेट कीजिए, हम 10 आदमी का, आप 20 आदमी का, वो 5 आदमी का, ऐसा दायित्व लीजिए। किसी भी हालत में वो अर्घ कैसे लेना है, अर्घ लेकर के उसको पावर ज्योति में जमा करके उसका स्लिप को मंदिर में जो इंचार्ज है उसको दे देना है। इसको काम करना होगा, ये सब एक्टिविटीज जो होगा तब हमारा ठाकुर के प्रति लव जो होगा। आप बोध कीजिएगा, आनंद बोध कीजिएगा, जैसे बच्चों को हम अपने भाई को, अपने माँ को, पिताजी को देने के बाद आनंद का बोध आता है, उसी तरह ठाकुर के लिए करने के बाद ठाकुर का बोध आएगा। आपके अंदर इतना शक्ति आएगा कि कोई भी एक आदमी असुविधा में पड़ा हुआ उसका 10,000 रुपया का जरूरत है, आपके अंदर क्षमता आ जाएगी उसका 10,000 का हेल्प कर देने का। जो ठाकुर के लिए करता है ठाकुर 1000 गुना उसके लिए करते हैं। ऐसा बहुत सारा दृष्टांत है हम लोग देखे हैं, इसीलिए ये केंद्र मंदिर का हम लिस्ट आपको बोले हैं। और एक बात है जो आचार्य देव स्वयं, आप लोग जानते हैं एक साल पहले सारे भारतवर्ष में विशाल विशाल उत्सव हुआ है, एक एक कुंभ हो गया है। कई जगह मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला है जहां 4-5 लाख तक आदमी का समागम हुआ है। मेरा अंतर से प्रार्थना था ऐसा हमारा बिहार में भी कुछ हो। तो ये कोरोना होने के पहले ये 3 उत्सव का आशीर्वाद आचार्य देव श्री दादा ने दिया है, इसी दीपना उत्सव 10 जिला मिलाकर के दरभंगा में, इसमें 10 जिला है, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, ये लोग आए थे और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हुआ था। कोरोना के कारण थोड़ा सा शिथिलता आ गई है, अभी उसको एक्टिवेट कर देना है। कम से कम हम लोग जो जो दायित्व लेकर के अर्घ संग्रह का कमिटमेंट लेकर के कैसे करेंगे नहीं करेंगे चर्चा में ले आना है। दूसरा उत्सव धृति संदीपना उत्सव कटिहार में, इसमें जो है 10 जिला है, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका। तीसरा उत्सव है धृतिपाली उत्सव पटना में, इसमें है कैमूर, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, पटना, लखीसराय, जमुई। ये 3 उत्सव को केंद्र करके इस तरह से एक महाकुंभ करना है कि सारा जीवन हमको याद रखे, हम लोगों को भी याद रहे, लोगों को भी याद रहे कि ऐसा कोई उत्सव हुआ था युग पुरुषोत्तम का। पूरा आबोहवा बदल देगा राज्य का, ऐसा हम लोग त्रिपुरा में, आसाम में, उड़ीसा में हम लोग देखे हैं। इस विषय में आप लोग आपस में चर्चा करके फिर यंग ग्रुप तैयार करके जो कनेक्टिंग ऋतिक दादा लोगों से कांटेक्ट में रहेंगे, और जो भी दिशा निर्देश आपको जरूरत महसूस होगा आप हमसे जोगाजोग कीजिएगा। ये हमको इसको हम लोगों को एक्टिवेट करना है। ये एक्टिविटीज में नहीं आने से, डे टू डे एक्टिविटीज में नहीं आने से ठाकुर का आनंद हम लोग ले नहीं पाएंगे जीवन में। और यही है काम करने का उम्र। आप यदि कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्लास 10th में है, 12th में है, इंटर दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, आप अच्छा से कीजिए। आप सोचिए ठाकुर जी खुश होंगे, आचार्य देव खुश होंगे, बाबा दादा को जाके मुझे खबर सुनाना है मेरा कंपटीशन में कंप्लीट हो गया है। आशीर्वाद लेके जाइए और अनुशासन बाद में लग जाएगी, हंसते हंसते हो जाएगा, चुटकी मारते मारते हो जाएगा। आप करके तो देखिए, उनके लिए एकदम हो जाएगा। जो नौकरी खोज रहे हैं वो अपने अंदर इस आग को, इस प्रतिष्ठा का, इस स्वार्थ का आग को पैदा करके देखिए कि आपके लिए इंग्लिश स्कोप होगा। मिरेकल नहीं है, जो परम पिता है
उनके लिए यदि हम करेंगे वो 100 हाथ से मेरे लिए करेंगे। अब जो है सुनने सुनाने तक में सीमित मत रखिए ठाकुर जी को, आप जो करना है कीजिए, आप सिनेमा देखिए, घूमिए फिरिए। ठाकुर जी बोल रहे हैं जीवन भोग के लिए है, त्याग के लिए नहीं है, लेकिन मेरा भोग सत्ता संगत होना चाहिए, एग्जिस्टेंस फुलफिलिंग होना चाहिए, मेरे अस्तित्व को परिपूर्ण करे। हम लोग नौकरी करने के चक्कर में अपना अस्तित्व को खो देते हैं। नौकरी के लिए जीवन नहीं है, जीवन के लिए नौकरी है। पेट के लिए जीवन नहीं है, जीवन को बचाए रखने के लिए पेट है। ये सब दिमाग में रखना होगा। आप ठाकुर लिटरेचर पढ़िए ना, एवरी टाइम आपको लगेगा एक मिरेकल है जो ठाकुर जी दे करके गए हैं। जो चर्चा करेंगे वो वृद्धि पाएगा। दैनंदिन अपने जीवन में 24 घंटा में कम से कम 24 मिनट भी इष्ट की चर्चा, इष्ट के काम, इष्ट के एक्टिविटीज में अपने को इन्वॉल्व रखिए। जितने भी यूथ हैं मैं उनको कह रहा हूं, आपका मॉडर्न साइंटिफिक आउटलुक हो जाएगा। आप किसी भी जगह को फेस, कोई आईएएस सामने में रहेगा, कोई प्रोफेसर रहेगा, आप उसको उठाएंगे बैठाएंगे। आसाम में हम देख रहे हैं, उड़ीसा में, त्रिपुरा में देख रहे हैं, चीफ मिनिस्टर आके नीचे बैठ रहा है। आपको मिनिस्टर के पीछे दौड़ना नहीं होगा, मिनिस्टर आपके पीछे दौड़ेंगे, लोकपाली हो जाएगी। करने से होगा। मुझे अफसोस होता है, मैं आप लोगों के साथ इसलिए मैं बैठा हूं कि तीन पुरुष से मुझे ठाकुर का संग मिला है आश्रम में रहने का, परम पूज्यवाद श्री बौड़दा का संग, आचार्य देव श्री दादा का, ठाकुर परिवार का, उनका दिव्य लीला दर्शन कर रहा हूं, मैं लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा हूं। मैं सोचता हूं मैं तो दो ही डेग चला हूं, आप लोगों को मैं बैटन रेस जैसे देखते हैं ना, रिले रेस मैं दे देना चाहता हूं। मेरी उम्र बहुत हो गई है, मैं चाहता हूं मैं जो दीपक जलाए रखा उस दीपक से और 100 दीपक जल जाए तो मेरा दीपक बुझ भी जाएगा, तो उस दीपक का लौ आप लोगों के दीपक के लौ में जलता रहेगा। इस इमोशन के साथ बैठा हूं आप लोगों के पास। प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत हो चुका, बहुत हम लोग खोए हैं, बहुत पीछे रहे हैं। आज सत्संग जगत पूरा दुनिया का एक दृष्टांत है, जहां हजारों लोग आते थे उत्सव में, लाखों लोग यहां आते थे। एक आदेश में पूज्यवाद बावेदे ने कहा है अभी कोरोना है नहीं आना है, एक भी आदमी यहां टर्न अप नहीं हुआ। दुनिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक आवाज में। उस दिन भी आचार्य देव श्री दादा ऑनलाइन आप लोगों से जो बात बोले हैं, जीवन रक्षा करना ही जीवन का साधना है, कितना सुंदर, कितना आवेगमय उनका एक बात हमारा जीवन का नियामक बन जाए। अभी वो आशीर्वाद किए हैं एक इंटरनेशनल 6 कॉन्टिनेंट मिलकर के एक उत्सव करने का 50 घंटे का, ऑस्ट्रेलिया से शुरू होगा, अमेरिका का लॉस एंजल्स में जाके खत्म होगा 28-29 तारीख को। 6 टाइम जोन मिला करके एक उत्सव, दिन रात सब लगे हुए हैं। हम लोग कहां पे हैं, हम बिहार के लोग कहां पे हैं, इसको सोचना होगा। जल्दी एक्टिवेट हो जाइए, उनकी इच्छा को मूर्त करना ही साधना है। इस उत्सव के विषय में 3 दिन पहले पूज्यपाद बावेदा से चर्चा करने की इच्छा हुई, मौका मिला मुझे, वो बोले भाई तो आपको पहले ही बोला था सब लड़कों लोगों के साथ मिलिए बातचीत कीजिए। मुझे अपराध बोध हुआ, मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया, इसीलिए मैं आज खास करके ठाकुर का जगत में कोई बाउंड्रीज नहीं है, बिहार का, उड़ीसा का, आसाम का, यंग का, ओल्ड का, सबके लिए है, लेकिन काम करने के लिए एक सेगमेंट करके काम करने में हम लोगों को सुविधा होगी। आप लोग ओपनली हमसे बात कर पाएंगे, जब सीनियर आदमी लोग रहेंगे मुझे भी अपने दोस्त समझिए,
बड़ा भाई समझिए, कुछ भी मेरे साथ बात कीजिए, जो भी मन में आपका द्वंद आता है, जो भी असुविधा आता है, आप बात कीजिए, खुल करके बात कीजिए। मैं हूं आप लोगों के साथ, मैं भी अब समय को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। हम लोगों के दिमाग में तीन चीज जो आज हम भूले हैं, पहला बात आचार्य देव का दीक्षा की जो बात है वो सब समय दिमाग में रहेगा। हम लोग यूथ हैं, यूथ लोगों को, आप लोग सभी यूथ हैं, मैं भी अपने को यूथ बोल रहा हूं, आप सब यूथ लोगों को एक साथ कॉन्ग्रेगेट कीजिए और अच्छा से प्राण जागरण कीजिए। जहां जिसका जो प्रश्न है, यदि असुविधा होता है दूसरा से पूछिए, यदि उससे असुविधा होता है हमसे पूछिए, हम तो असुविधा होगा हम तीसरा से पूछेंगे। ठाकुर पत्ते को फुलफिल करने आए हैं, इज फुलफिल द बेस्ट। ठाकुर जी की पूजा करने से राम की, कृष्ण की, मोहम्मद की, सबकी पूजा करना होती है, आप खुद महसूस करेंगे। इष्ट रीति दैनंदिन करना होगा, 30वें दिन भेजना होगा, उपयोजना केंद्र ज्यादा से ज्यादा खोलना होगा, ऋतिक लोगों का साथ, वहां के स्थानीय गुरु भाइयों के साथ बात करके, जहां जहां उपयोजना केंद्र नहीं है, 8-10 फैमिली भी गुरु भाई है तो उपयोजना केंद्र खोलिए, लोग एकाई तो होगा। इस विषय में जो भी निर्देशन आपका जरूरत है आसपास लोगों से पूछिए, नहीं उपाय है तो आप मुझसे भी पूछिए। ये उपयोजना केंद्र एक एक तो मैनेकिंग सेंटर बनता चला जाएगा। नाम ध्यान कीजिएगा, इस चर्चा कीजिएगा और कोशिश कीजिए कम से कम अभी सप्ताह में एक तो दीक्षा कराने का, फिर जब और होगा 10 को एक साथ होगा, फिर 100 दीक्षा, ऐसा करके, लेकिन चलते रहना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। मैं पूरा समुद्र के पानी को रंगीन नहीं कर सकता, लेकिन समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल करके उसमें रंग ढाल करके समुद्र का पानी रंगीन कर सकता हूं। इस 3.5 करोड़ दीक्षा में वो भी मेरा किया हुआ रहेगा। यही एक चीज है जो जीवन का संपद बन के जीवन नहीं रहने पर भी जिंदा रहता है। यही काम करने का उम्र है। आप लोगों को मुझे मैं देखता हूं तो मुझे लोभ होता है, मेरी भी उम्र आप लोग के जैसा रहता तो मुझे और कुछ काम करने का और लंबा समय मिल जाता। एकदम मत खोइए, मैं खोया हूं, आप लोग मत खोइए, कूद के लग जाइए। बहुत लोग सेकेंड जनरेशन है, बहुत लोग थर्ड जनरेशन है, रियलाइजेशन एक समय एक लगेगा, दूसरा समय दूसरा, मन का तो चंचल स्वभाव है, लेकिन निष्ठा सहित नाम ध्यान करना, ठाकुर का चर्चा करना, वो जो बातें सब हम बोले हैं, आसन बनाना है, मेडिटेशन करना, प्रार्थना करना सप्ताह में एक दिन, ये सब आप शुरू कर दीजिए। ऐसा करके हम लोग एक न एक दिन परमपिता के जो इच्छा है, आचार्य देव ने जो इच्छा प्रकाश किया है, इसको जरूर इधर बढ़ेंगे और बिहार को एकदम अग्रिम पंक्ति में हम लोग देखना चाहते हैं। हम बिहारी होने के नाते नहीं, मैं तहे दिल से सारे भारतवर्ष घुमा हूं, लेकिन जितना पोटेंशियल इस बिहार के यूथ में है, पूरा जगह नहीं है, पूरा वर्ल्ड में भी मैं बहुत जगह घुमा हूं, इतना पोटेंशियल और किसी में नहीं है। एक बार ठान लेगा तो ठान लेगा, ये लीडरशिप कैपेबिलिटी है, डायरेक्शन मिलना चाहिए। आप लोग एक बार बाबाजी से अपने को कनेक्ट कीजिए, कनेक्टर को पकड़िए और उनको उनका इंस्पिरेशन लेके चलिएगा, असंभव काम संभव होगा, इसको मन में ठान लीजिए। बस इतना ही मैं बात कह रहा हूं। आज दिव्य लीला, दिव्य कहानी सब बहुत सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे, अभी हम सिर्फ कर्म मुखर बातें करेंगे। इसके बाद कुछ लोगों से मैं जो बोला हूं उन लोग कुछ कुछ प्रश्न करेंगे और उस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। तो मैं आदित्य से कहता हूं, पहले पटना जोन में जो प्रश्न है उसको रखो, वो संदीप जो है वो रखेगा, उसके बाद विश्वरंजन सतपति के पास यदि कोई क्वेश्चन है वो करेगा, शुरू करोगे क्वेश्चन आंसर। जय गुरु दादा। दादा एक क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट लोग का, वो बोलते हैं कि पढ़ाई करते हुए श्री ठाकुर जी का कार्य को कैसे किया जाए,
क्या पढ़ाई करते हुए ठाकुर जी का कार्य को कैसे किया जाए दादा? ठाकुर जी का धर्म का परिभाषा है सबको बचाना अपने बचना, इसको ही तुम धर्म समझना। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? पढ़ाई करते हैं इसीलिए कि मैं बचू बढ़ू। तो जिस समय पढ़ाई की उम्र है उस समय पढ़ाई ठाकुर का धर्म है, ये सोच करके यदि हम पढ़ेंगे तो ठीक ठीक पढ़ पाएंगे। समझ रहे हो ना? मेरे पढ़ाई अच्छा करने से मेरे ठाकुर खुश होंगे, मेरे आचार्य देव खुश होंगे। इसको टारगेट लेके पढ़ने से कंसंट्रेशन डेवलप होगा और ठाकुर जी का जितना भी एक... दादा आवाज नहीं आ रही है आपकी। दादा कैन यू हियर मी? आई थिंक आदित्य उनको या तो फोन आया होगा। हाँ वीडियो ऑन हो गया उनका। राजूदा आपकी आवाज। हाँ राजूदा बाकी सभी से रिक्वेस्ट है अपना वीडियो ऑफ रखे, केवल जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको वीडियो ऑन रखने दे। राजूदा आप अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए। राजूदा आपकी ऑडियो ऑफ है। स्क्रीन में राजूदा अभी दिख नहीं रहे हैं, शायद कोई विशेष वजह से वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे। राजूदा स्क्रीन में नहीं है जी। राजूदा अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। राजूदा तुम्हारा क्वेश्चन हो गया आदित्य? जी दादा दूसरा क्वेश्चन करो। हाँ हम ये कह रहे हैं, हम मैं फिर बोल रहा हूं, कंसंट्रेशन जब हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं मेडिटेशन करते हैं तो मेरा सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन होता है, कर्म स्नायु बोध स्नायु में समन्वयता आती है, वो मुझे पढ़ाई करने में हेल्प करता है। तो बाहर के लड़के लोग यदि एक घंटा में कोई चीज समझेंगे तो मैं उसको आधा घंटा में 40 मिनट में समझ पाऊंगा, लेकिन कंसंट्रेशन इस उद्देश्य से नहीं करेंगे कि उन पढ़ाई में सुविधा हो, नॉर्मल ही होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन को है तो करो, नहीं तो फिर संदीप की ओर बढ़ाओ। जी दादा आप डॉक्टर संदीप क्वेश्चन करेंगे दादा। वीडियो ऑन करो संदीप। हेलो और ऑडियो ऑन करो। दो तीन लोगों से अलग अलग फीडबैक है, क्वेश्चन है, उसमें एक प्रश्न आया है। वो कह रहे हैं कि ज्यादातर जो नए इनिशिएटेड हैं जो दीक्षित हैं और कहीं भी मान लिए कि ठाकुर जी की छवि को अपने रखते हैं अपने रूम में और हॉस्टल में या ग्रुप में कहीं भी रहते हैं, तो कई बार उनकी समस्या ये होती है कि कोई पूछता है कि किनका है फोटो, तो बता पाने में बड़ा संकोच महसूस करते हैं और इस बात से कि शायद सामने वाला क्या कहेगा या क्या नहीं कहेगा। ठीक इसके विपरीत सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें कि वो जो चीजें नहीं चाहते हैं जिसको हम लोग गलत हैबिट या ऐसा कुछ कहते हैं उसके लिए कई बार वो प्रेरित भी हो जाते हैं और ऐसा काम करते हैं बाद में बुरा लगता है। तो ऐसे चीज में इस स्थिति में इन दो विपरीत हालातों में इसको कैसे टैकल करना चाहिए और इसमें कितना हम डीलिंग करने का प्रतिवाद करने का हमको जो हिम्मत या जज्बा जो आया आर्गुमेंटिव होके करना है टैक्टफुली करना है कैसे करेंगे हम उसको? एक बात है, यदि मेरे माँ का पिताजी का फोटो रखने में हमें कोई असुविधा नहीं होता है, लज्जा नहीं होती है, तो परमपिता का फोटो रखने में भी लज्जा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब परमपिता मेरे अंदर में जीवंत नहीं है। हम तो कहते हैं ये एक अपॉर्चुनिटी है, बल्कि इसके माध्यम से ही हजारों दीक्षाएं हुई है मेडिकल कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्योंकि ठाकुर जी एक प्रूवन ठाकुर है, तथाकथित कोई गेरुआ और कोई साधु उधु नहीं है। यदि मैं ठाकुर जी का आइडियोलॉजी जानता हूं,
यदि मेरे अंदर ठाकुर जीवंत है तो उनको तो स्कोप मिल गया, वो जैसे ही क्वेश्चन किसका है मैं बताऊंगा कि मैं कंसंट्रेट टू माय लिविंग आइडियल हूं, मेरा जीवंत आदर्श है। तुरंत भगवान है, ठाकुर जी देवता है, इसे बोलने नहीं जाना चाहिए, जैसे बताना चाहिए जैसे मेरे माँ है, मेरे पिताजी हैं, ये मेरे गुरु हैं, मेरे जीवंत आदर्श हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं और यदि आप कोई व्यंग के रूप में बोलते हैं तो सोच हम कह देते हैं, यदि आपका मेरे साथ रिलेशन है, आप रखना चाहते हैं तो कृपा इस जगह पे उस आप कोई ऐसा बात नहीं बोलेंगे जिससे मेरे अंदर में चोट हो, नहीं तो मैं ठाकुर जी के विषय में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैं ऐसा ही करता था, मैं देवघर में लोकल लोग बहुत एंटी बात बोलते थे, लेकिन मेरे दोस्त लोग बोलने वाले को रोक देते, भाई शिवानंद से यदि ऐसा बात करोगे तुमसे बात सारा जीवन छोड़, मैं सारा जीवन के लिए अपने कजन दोस्त को छोड़ दिया हूं जो एक बार भी कोई नेगेटिव बात बोला ठाकुर जी, ऐसा करके चलना होगा। यदि ठाकुर जी भगवान नहीं है, ठाकुर जी ईश्वर नहीं है, ठाकुर जी सोर्स ऑफ लाइफ दुनिया में कोई नहीं है, इसका मतलब वही ठीक ठीक जाजन जाजन स्तुति नहीं करता है। हम ऐसे लड़के को देखे हैं मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, विदेश में, जो इस ठाकुर जी का फोटो सामने में रख करके उस बहाने वो ठाकुर का जाजन करके बहुतों को दीक्षा दिलाया, लेकिन जो कमजोर है, जिसका खुद ठाकुर से रिलेशन कमजोर है, उसको ये सब प्रश्न आता है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए ठाकुर के विषय में। एक एटलीस्ट एक काम कर सकता है सत्यनारायण स्वयं है, बोलो लो भाई इसको पढ़ो, देखो समझ में आएगा ठाकुर कौन है। लेकिन तुरंत आरोपित नहीं करना चाहिए मेरे ठाकुर भगवान है, मेरे ठाकुर युग पुरुषोत्तम है, ऐसा धीरे धीरे स्टेप बाय ऐसा बोलना चाहिए। नेक्स्ट एक दूसरा प्रश्न है, कुछ लोगों का है जो सत्संग या ठाकुर जी की भावधारा से परिचित हैं, आते जाते रहते हैं, दीक्षा की उनका विशेष आग्रह भी है परंतु अभी ले नहीं पाए दीक्षा, और उनका प्रश्न है क्योंकि मेरी अपने माता पिता को वो कन्विंस नहीं कर पाए, बता नहीं पाए या उनकी इच्छा जान नहीं पाए, उनकी इच्छा है या अनिच्छा है ये भी नहीं कह पाए, और ये बात जितना दीक्षा के लिए है उतना ही बात स्वस्थनी के लिए भी है, सेम प्रश्न, तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? यदि जो कोई चीज जीवनीय होता है तो उस विषय में बोलने में हिचक क्यों होगी? मैं सिगरेट पीता हूं, मां को बोलने जाता हूं मैं सिगरेट पीता हूं, मैं सिनेमा देखने जा रहा हूं, नेगेटिव चीज को तो नहीं बोलता हूं, पॉजिटिव चीज बोलने में क्या असुविधा है? ज्यादातर देखा गया है बाल बच्चे लोग पहले दीक्षा लिए हैं ठाकुर जी का और उसके माँ पिताजी बाद में लिए हैं, उनको कॉन्विंस करना होगा, मैं दीक्षा लेकर के यदि मेरा माँ के प्रति पिता के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, मान लीजिए किसी के घर में बहुत सारा देवी देवता है, मैं मेरा उनके प्रति प्रेम श्रद्धा और बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली एक ना एक दिन वो समझेंगे कि अच्छा जगह पर है, फिर वो भी ठाकुर की तरफ आएंगे। इसीलिए इस हिचक हमारे अंदर तभी है जब मेरा ठाकुर के साथ कनेक्शन होने में हिचक होता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है जिसका आपने जवाब दे दिया है, पर थोड़ा अगर फोकस और हो जाए कि जो इष्ट है ठाकुर हमारे, जो कैरियर के क्राइसिस है, मिड कैरियर क्राइसिस या स्ट्रगल फेज में हम उनसे कैसे लाभान्वित या वो हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत जगह से आया है। एक बात है, हम बार बार बोले हैं स्वास्थ्य सदाचार में ठाकुर जी ने कुछ बानियां दी है, अनुश्रुति में भी है, सातवती का शायद अप्रैल में जून इशू में हम दिए हैं, उसमें बहुत सारा बानी ठाकुर जी ऐसा दिए हैं जो आज गवर्नमेंट उन बानी सबको लिया है, नाक झाड़ कर ना धोए हाथ, बक्ष व्याधि का हो उत्पाद, बाहर से सामान लाके धो पो करके उसको यूज करना चाहिए, उसके बाद जो ठाकुर जी बोले हैं आघात अभिभूत वेदना से मुरझाया मन व्याधि का खान है, यानी मन को सबसे समय सबल करना चाहिए, ये जो कोरोना में इम्यूनिटी का बहुत सारा नकली दवाई भी निकला है, असली दवाई है मन को इष्ट से युक्त रख करके मन को उद्बुद्ध रखने से कोरोना का कोई इफेक्ट भी नहीं होता है, इसीलिए हाइजीनिक डिसिप्लिन पे जो ठाकुर जी जो बोले हैं वो सब पढ़ने से इस परिवेश परिस्थिति में भी हम कोरोना के आक्रांत होने से अपने को बचा सकते हैं।
आदित्य तो और अभी इधर चलते हैं, वहां पर है छपरा में। हाँ दादा, एक क्वेश्चन आया है दादा मोतिहारी से। क्वेश्चन है दादा कि लाइफ में बार बार फेलियर होने पे क्या करें? ठाकुर जी बोलते हैं, विफलता दुर्बलता नहीं है, चेष्टा नहीं करना ही दुर्बलता है। इसलिए चेष्टा करते रहेंगे, एक ना एक दिन किसी भी बड़े बड़े जो लोग सफल जिस क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, कल एक आदमी के विषय में हम सुने जो इस बार शायद 1 करोड़ रुपया केबीसी में जीती है, वो 5 बार यूपीएससी दी है, 5th time में कॉम्पीट की है। तो लगे रहना है, निष्ठा के साथ लगे रहना है, और हम क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो समझ करके उसमें लगते लगते एक ना एक दिन उसको सफलता मिलेगा ही। बहुत अच्छा दादा। और दूसरा जगह से, कटिहार से, ये सब जगह देखो, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, किंकर से पूछो, किंकर को आने दो। आपको मैसेज मिला है क्या राजूदा? कैन आई पुट सम क्वेश्चन? इधर बहुत सारे क्वेश्चन आया है, क्या मैं आपके सामने रख सकता हूँ? तुम्हारे साथ तो हम बातचीत हो ही गया यूपी में एक बार। नहीं, चैट बॉक्स में बहुत सारे राजूदा, चैट बॉक्स ठीक है, तुम तो देवघर के हो, मैं तुमको यूपी का नहीं समझता हूँ। अब चैट बॉक्स क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ ये 3 जो प्रोजेक्ट है बिहार में, दीक्षा का प्रोजेक्ट जो है, श्री मंदिर मेंटेनेंस वगैरह का जो प्रोजेक्ट है, और उत्सव का प्रोजेक्ट है, इससे रिलेटेड काम करने में जिसको जो जो प्रश्न के सम्मुखीन होना पड़ रहा है अपने अंदर या परिवेश के अंदर, उसको सामने में रखने से तब सामने काम करने में सुविधा होगा। चैट बॉक्स में बहुत बोलो। आई हैव वन मोर क्वेश्चन दादा। हाँ, द वन हु डोंट हैव फेथ इन ठाकुर जी, हाउ कैन ही डेवलप फेथ प्रैक्टिकली? एक बात है, जो जो माने सो जाने, फेथ डेवलप करने के लिए मानना होगा। हमको इक्वेशन सोल्व करने के लिए लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू एक्स करके आगे बढ़ना हो तो अपने आप, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको ठाकुर के प्रति फेथ नहीं होगा यदि उनसे जुट हो। हाँ कृति बोलो। ये चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कि अगर हम हिंदू धर्म को नहीं के तरफ से है और जो मुसलमान धर्म को मानते हैं सो कॉल्ड, उनको हम कैसे कन्विंस करें? ये मोहित जी का क्वेश्चन है फ्रॉम मोतिहारी। को ये कहना होगा दिख रहा है कि बहुत सारे मुस्लिम लोग भी सत्संगी हैं, इसका मतलब उनको मुसलमान धर्म छोड़ना नहीं पड़ा है, क्योंकि उनको ये महसूस हुआ है ठाकुर जी को पकड़ने से मोहम्मद साहब को और वो जीवंत बोध करते हैं। ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट कन्वर्ज एंड अवेकन इन दैट ऑफ द प्रेजेंट, लव टू हिम इज लव टू ऑल। तो हम लोग ऐसा मुसलमान देखे हैं जो दीक्षा लेने के बाद, जो पहले 2 बेला भी नमाज नहीं करता था, दीक्षा लेने के बाद ठाकुर जी को ग्रहण करने के बाद 5 बेला नमाज करने लगा, पढ़ने लगा, कुरान पढ़ने लगा, और जो वास्तव रूप है जो इस्लाम का उसको मानने लगा। तो उससे यही पूछना है कि यदि आपको कोई ऐसा जगह मिल जाए जहां जाने से आपका जो मुसलमान धर्म की जो चीजें हैं उसको आप अच्छा से समझ पाएंगे, बोध कर पाएंगे, मोहम्मद साहब को आप जीवंत महसूस कर पाएंगे, तो आप उसको ग्रहण करेंगे तो देखिएगा अपने आप ग्रहण करेगा। और एक किताब है, ये किताब है इस्लाम प्रसंग, ये खलीलुर रहमान का क्वेश्चन किया हुआ, ठाकुर जी का दिया हुआ है। ये किसी मुस्लिम के हाथ में पड़ेगा ये किताब तो ठाकुर जी को अवश्य ग्रहण करेगा, अपना मोहम्मद को पालन करते हुए मानते हुए। तुम कोहिस्ट बना देते हैं, नेक्स्ट अभी मैं करवाता हूं। इधर देखो, दरभंगा में कौन है? किंकर, किंकर सुन पा रहे हो?
रविंद्र किंग का नेटवर्क फेलियर हो गया था, रीजॉइन, अभी वो क्वेश्चन लेके आपके पास हाजिर हो रहे हैं। अच्छा, और मैं आदि जयगुरु दादा। हाँ जयगुरु, मैं किंकर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन नहीं हो रहा कृतिदा, आप थोड़ा सा देखिए, टेक्निकल कुछ इश्यू है। अच्छा ठीक है, बताओ क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन ये है कि लोगों का कहना ये है कि जो लड़का ये पूछा है वो बोला नाम नहीं बोलने के लिए, लेकिन क्वेश्चन है, बोला इतने सारे गुरु हैं पर श्री श्री ठाकुर है क्यों, यदि पूर्वतनों को मान के चले तो असुविधा क्या है, बहुत सारे लोग बिना ठाकुर जी को ग्रहण किए हुए अच्छे से जीवन यापन करते दिखाई पड़ते हैं, क्या वो वास्तविक में सही से जी पा रहे हैं, क्या ठाकुर जी का कमी उनके जीवन में खलता है या नहीं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश कर। एक बात है, बहुत सारा स्कूल होने से हम तो किसी स्कूल में एक ही स्कूल में जाते हैं ना, बहुत सारा स्कूल हो बोल करके हम किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिए ऐसा तो नहीं है। मैं इतना कह सकता हूं, मुझे एक स्कूल का जानकारी है जिस स्कूल में करने से हम मास्टर डिग्री पीएचडी सब कुछ कर सकता हूं, और आपको यदि इच्छा है करने का तो आप आइए जुट होइए। और जहां तक पूर्वतन मानने का बात है, हम पिताजी को छोड़ करके दादा परदादा के विषय में धारणा बनाने जाएंगे तो विभ्रांति होगी। दादा परदादा को मानने के लिए पिताजी को ही मानना होगा। किंकर सुनो बात, दादा परदादा को ठीक ठीक समझने के लिए जानने के लिए पिताजी से युक्त होना होगा। इसको हर धर्म में कहा गया है, इस बात को हर धर्म में कहा है। जीसस क्राइस्ट ने कहा है आई एम दी वे आई एम दी पाथ, मोहम्मद साहेब भी बोले हैं, भगवान श्री कृष्ण भी बोले हैं कि युग पुरुषोत्तम को ग्रहण करके ही पूर्वतन पुरुषोत्तम के प्रति श्रद्धा प्रेम प्रीति जिंदा रह सकती है। नहीं तो यदि मेरा जीवन में जीवंत आदर्श नहीं है तो मैं मान रहा हूं भगवान को, लेकिन असल में मेरे अंदर का वृत्ति प्रवृत्ति को ही मैं मान रहा हूं। पूछो भैया नेक्स्ट। दादा आई हैव वन मोर क्वेश्चन। हेलो। हाँ दादा, दूसरा क्वेश्चन है, क्या सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ यस। यदि मैं याजन करता हूं तो लोग मेरे बातों पर कम ध्यान देते हैं, मेरे खुद के व्यक्तिगत परिस्थितियों पे ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि मैं आर्थिक रूप से सबल नहीं हूं, इस अवस्था में क्या किया जाए और ठाकुर के कार्यों को दूर करने में अपनी जिम्मेवारी या अपनी कमजोरी को किस तरह से ताकत के रूप में हम परिणत कर सके, इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे। करने के माध्यम से क्षमता आती है, हम जितना विरुद्ध परिवेश को सामना करते हैं उतना ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यदि ए स्मूथ ओशन कैन नॉट मेक ए स्किलफुल सेलर, तो हमको विरुद्ध परिवेश के अधीन जाना होगा। हम लोगों के दिमाग में एक भूल विभ्रांति है, धारणा है, इस विषय में आलोचना प्रसंग में ठाकुर जी बहुत सुंदर बोले हैं। ये उसको कहोगे कि ये चारों जो इष्ट आलोचना प्रसंग है हिंदी का पढ़ेगा, इसमें ठाकुर जी बहुत सुंदर से इंस्पायर किए हैं। असफलता क्या है, सफलता का पाने का एक रास्ता है असफलता, उसको ओवरकम करने का हमको मौका मिलता है। असफलता को जब हम ओवरकम करते हैं कैपेबिलिटी डेवलप करता है, इसीलिए संसार है, जीवन है, तभी तो मेरा जीवनीय चेतना है। आघात नहीं होने से चेतना मेरा कैसे जीवंत रहेगा। जी नेक्स्ट। मेरा हो गया जरा एक जी। जय गुरु। हाँ जय गुरु। दादा मैं राजा बोल रहा हूँ प्रोविजन बिहार से। एक क्वेश्चन जी की लोगों को लगता है क्या ठाकुर, जब मैं लोगों को याजन करने के लिए जाता हूँ तो बहुत सारे लड़के या हम लोगों की उम्र के जो लड़के हैं वो बोलते हैं कि मैं माँ बाप को ही मानता हूँ, माँ बाप की बातों को मान करके चलता हूँ, मुझे ठाकुर को पकड़ने की क्या आवश्यकता है। एक बात है,
कि माँ पिताजी तो चिरंतन नहीं रहते हैं, ऐसा चीज मानना चाहिए जो चिरंतन हो। ठाकुर को मानने से यदि माँ बाप पिताजी को मानना बहुत अच्छी बात है, ठाकुर की बात है माँ बाप को मानना। बल्कि ये भी ठाकुर जी बोले हैं, माँ पिताजी को खुशी किए बिना किसी भगवान को खुश नहीं कर सकते। करो तो ऐसा जगह, ऐसा ठाकुर यदि मुझे मिले जो मेरा माँ पिता के प्रति प्रेम को और बढ़ा दे, उनको मानने को और हमको ठीक कर दे, तब तो उसको पकड़ना तो फायदा का ही है। रोनी तुम सुन पा रहे हो मुझे? ठीक है काकू, बोलो। जी मेरा एक सवाल, मतलब छात्र लोगों का एक सवाल है, हम दान करते हैं फिर स्तुति जरूरी क्यों है? हमारा शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जो ईश्वर को बिना भोग निवेदन किए हुए अन्न जल ग्रहण करता है वो चौर्य वृत्ति करता है। इष्टभीति एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड है। जैसे माँ को खिलाते हैं, पिताजी को खिलाते हैं, इष्ट मेरे जीवन के नियामक है, उनको भोग देने से उनके प्रति मेरा प्रेम पैदा होता है। जब उनके प्रति अनुराग होता है तो मेरा वृत्ति प्रवृत्ति नियंत्रित होती है, तभी हम उनके इच्छा अनुसार चलते हैं तो वृत्ति के हाथों से मैं मुक्त होता हूं। जी काकू, एक और सवाल है, दीक्षा लेना जरूरी क्यों है? इसका ये बात है कि जीवन में मेरा यदि कोई मालिक नहीं रहेगा तो हम क्या लावारिस माल बने रहना चाहते हैं या मालिक वारिस का माल? तो मेरा जीवन में दक्षता अर्जन करने का पथ यदि कहीं से मिलता है तो वो तो मेरा जीवन को सुंदर बनाता है। तो चालाकी तो इसी में है, अपने जीवन को सुंदर बनाने में, उपभोग्य बनाने में। काकू लास्ट एक और सवाल था, दोस्त कहते हैं दीक्षा के लिए, दोस्त कहते हैं दीक्षा लेकर बाबा जी बन गया है, उन लोगों को दीक्षा के लिए कैसे कन्विंस करें? वो अपना विभ्रांति से ये बात बोलते हैं। तुम अपना एग्जाम्पल दोगे, बोलते मैं तो दीक्षा लिया हूँ, बाबा जी तो नहीं हूँ, मैं जींस पहन रहा हूँ, मैं सिनेमा देख रहा हूँ, फुटबॉल कर रहा हूँ, तुमसे क्या कम आनंद कर रहा हूँ? इसीलिए वो अपने विभ्रांति के चश्मे से देख रहे हैं दीक्षा को। यहाँ जो दीक्षा है दक्षता अर्जन करने का पथ, जीवन का पथ, जीवन वर्धन करने का पथ, इसीलिए दीक्षा के विषय में उसके जो विभ्रांति है उसको ठीक करना होगा। बाल मुकुंद जी आप हैं क्या ऑनलाइन? मिस्टर दा, ओम प्रकाश दा, ओम प्रकाश मुजफ्फरपुर, राजेंद्र जी छपरा, आदित्य देखो और कोई लोग है क्या? जी दादा, जय गुरु दादा। जी सर दादा, जय गुरु, जय गुरु, हाँ, जय गुरु। बोलिए ठीक है दादा। एक मेरा पर्सनली प्रश्न था कि जैसे मैं कई जगह जाता हूँ तो देखता हूँ कि ठाकुर जी तो हमारे जीवंत है, तो जीवंत है तो उन पर माला लोग पहनाया कर रखता है, वैसा आर्टिफिशियल माला वगैरह इसे पहना कर लोग रखता है, क्या माला पहनाना? देखिए फोटो को भी ठाकुर समझ के पूजा हम नहीं करते हैं, स्फुरन प्रतीक है। जो लोग मूर्ति को ही भगवान मान ले, फोटो के ही भगवान ले, वो मूर्ख है, वो स्फुरन प्रतीक है। आज जीवंत इसलिए है कि इस युग में वो आकर के जीवन को दिखा करके गए हैं, इसलिए वो जीवंत है। युग पुरुषोत्तम जीवंत रहते हैं जब तक जो नेक्स्ट पुरुषोत्तम का आगमन नहीं होता है, और उनका जीवंत विभव होते हैं आचार्य देव। आचार्य देव श्री दादा हम लोगों के सामने हैं, वो श्री ठाकुर के जीवंत विभव है। और नेक्स्ट बोलिए दादा। जय गुरु, जय गुरु। ओम प्रकाश बोल रहा हूँ मुजफ्फरपुर से। हाँ बोलो भाई। जी दादा मेरा कुछ क्वेश्चन था, जैसे एक हम लोग जो आश्रम चलाने के लिए जो पैसा लेते हैं तो उसको जमा करने के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ। और तो बहुत सारे लोग दादा उसमें पैन कार्ड नहीं दे पाते, जो लोग भी 5 रुपया 10 रुपया या 20 रुपया छोटा छोटा अमाउंट देते हैं वो लोग देना भी नहीं चाहते, और बहुत लोगों के पास पैन कार्ड है भी नहीं। अच्छा, तो मैं पहला बात बोलता हूँ,
ओम प्रकाश, पहले कि पैसा बोलना ठीक नहीं है, इष्ट को हम लोग को पैसा नहीं देते हैं, अर्घ देते हैं, प्रीति अर्घ, इसीलिए हम लोग इष्टार्घ उसको कहते हैं, इष्ट के निमित्त हम लोग उनको निवेदन करते हैं। दूसरा बात, हम लोग विधाता के पुजारी हैं, विधि नीति को उल्लंघन करके विधाता को अनुभव नहीं कर सकते, पा नहीं सकते, इसलिए जो हम लोग का डिसिप्लिन मैंने डिसिप्लिन को जो फॉलो करता है, जो निर्देश आचार निर्देश है उससे बाहर नहीं जा सकते, और इसीलिए जो हम लोग गवर्नमेंट के पास जो निर्देश मिलता है उसके अनुसार से चलते हैं। हम लोग का जो जो कुछ भी अर्घ होता है उसका एक डिसिप्लिन हम लोग फॉलो करते हैं, जिसमें हम लोग जो भी अर्घ है एक रुपया का भी हम लोग गवर्नमेंट को दिखाते हैं, इस उद्देश्य से मिला है। आश्चर्य करोगे कि अभी जो जल शक्ति अवार्ड, नेशनल जल शक्ति अवार्ड में फर्स्ट प्राइज बेस्ट इंस्टीट्यूशन सत्संग को मिला है जी जी, इसके लिए वो कैश प्राइज देना चाह रहे थे, आज ही हमने वो चिट्ठी भेजा है कि सत्संग गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं लेता है, उसको किसी मंगल काम में लगा दीजिए, हम लोग हेल्प करते हैं। तुम जानते होगे आचार्य देव सिंह दादा ने 10 करोड़ रुपया इस कोविड के लिए, कोविड के फाइट करने के लिए गवर्नमेंट को दिए हैं, हजारों जगह से सत्संग केंद्र मंदिर मुजफ्फरपुर से भी तो दिया गया है जी जी। तो हम लोगों का जो डिसिप्लिन है, हम लोग परिवेश के लिए करेंगे, राष्ट्र के लिए करेंगे, और हमारे पास जो भी अर्घ होगा उस अर्घ का हिसाब रखने का जो गवर्नमेंट का डिसिप्लिन है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। दादा एक प्रश्न पूछना था मुंगेर से, अगर अनुमति हो। राजू दादा, जय गुरु। हाँ जय गुरु, कौन बोल रहे हैं? दादा मैं श्याम दा बोल रहा हूँ मुंगेर से। अच्छा दादा, एक प्रश्न है, यूथ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है सत्संग को आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जो समस्या ये है कि जो पुराने गुरु भाई हैं, जैसे उपाय योजना केंद्र रिलेटेड चीजों के लिए मैंने काफी प्रयास किया, गुजरात से आया हूं मैं, पहले गुजरात में था 24 साल, बिहुदा के साथ काफी काम किया, तो यहाँ उपाय योजना केंद्र के लिए मैं देख रहा हूँ लोगों में इंटरेस्ट बहुत लीस्ट है, और हमने काफी सत्संग विभिन्न जाजन के माध्यम से प्रयास किया, तो इसको कैसे टैकल करा जाए कि यहाँ एक भी उपाय योजना केंद्र नहीं है जमालपुर मुंगेर में, सिर्फ केंद्र है और कुछ नहीं। ये बहुत अच्छी बात आपने नजर रखा है, हम लोग जो बैठे हैं अभी इसीलिए कि यहाँ पर एक्टिव यूथ लोग बहुत कम है, और हम लोग जो लोग हायर एज के एल्डर एज के हैं वो लोग स्पेस भी नहीं देते हैं, तो अभी हम लोगों का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो होगा एक्टिविटी, आप जो बात बोले हैं, जहां भी 2-4-10 फैमिली भी है वहां पर एक उपयोजना केंद्र खोलने का, कुछ बात बाबादा का ये निर्देश है, और वो दे के भी गए थे, उसमें मुंगेर जिला अभी बहुत पीछे है, तो मैं इन लड़कों को उन लोगों से जो सीनियर लोग हैं उसको कनेक्ट करेंगे, ये पैरेलल कुछ नहीं है, ये सारे यूथ जो है ये जो होगा ये फीडिंग एजेंसीज होंगे जो सीनियर्स लोगों का, उनके हैंड्स बन करके काम करेंगे कि दादा ऐसे 10 जगह हम लोग देखे हैं, आप कृपा करके यहाँ एक उपयोजना केंद्र खोलेंगे। इस विषय में यदि कोई क्लैश होता है, यदि कोई असहयोगिता होती है, यदि कोई आपस में कोई विभिन्नता होती है, तो मैं इसमें हेल्प करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उपयोजना केंद्र, आप जो बात बोले हैं, उपयोजना केंद्र खोलने से, इष्टभीति रेगुलर होने से, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन होने से एक्टिविटीज बहुत बढ़ेगा, चाहे वो दीक्षा का क्षेत्र हो, केंद्र मंदिर का मेंटेनेंस का क्षेत्र हो, या उत्सव का क्षेत्र हो। बहुत अच्छा लगा, मैं आपने जिस चीज को पकड़ा है इसको मैं सभी के लिए बोल रहा हूं कि ये जो दादा जो बात बोले हैं, आप लोग भी अपने अपने एरिया में देखिए उपयोजना केंद्र को और जीवंत बनाना होगा, और बावेदा का जो 22 पॉइंट है उसको एकदम स्टेट सब जगह पहुंचाना होगा। थैंक यू दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा, मैं शिवम भागलपुर से बोल रहा हूँ। शिव प्रसाद। हाँ बोलो शिवम। हाँ दादा, ये मेरा ये क्वेश्चन था ना कि जैसे कि हम लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में,
तो उनको जैसे जाजन करते हैं तो उनको कुछ बताते हैं तो वो पहले काफी इंटरेस्ट से सुन लेते हैं, बाद में वो बोलते हैं रिक्शा भी लेंगे, बट कुछ टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता है ना तो उनका इंस्ट्रक्शन जो वो जो जिस प्रति से पहले वो रुचि लेते हैं वो धीरे धीरे उनमें कम होता है। क्योंकि मैं जब अभी पटना में रह रहा हूँ तो बहुत सारे फ्रेंड्स को मैंने बताया उनको मंदिर पे भी लेगा, तो वो पहले काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड है ठाकुर जी के प्रति, रुचि भी लिए मैंने उनको बताया भी, पर धीरे धीरे उनका मतलब जो होता है वो कम हो जाता है, वो ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा बात बोले हो, ठाकुर जी का एक वाणी है, जब कोई हम लोग सच चिंता करते हैं जीवन वृद्धि चिंता करते हैं तो उसको पीछे खींचने के लिए बहुत सारे असत चिंताएं दिमाग में आने लगती है। जैसे तुम ठाकुरबाड़ी जाने का सोचो, अब कौन जाएगा, ऐसा है वैसा है ऐसा, आप कोई असत चिंता करते हैं तो उसको सपोर्ट करने का बहुत चिंता हमको आके धक्का देकर असत की ओर ठेलता है। ये वित्तीय प्रवृत्ति का खेल, इसमें जो ओवरकम करता है वही आदमी सक्सेस होता है। इसीलिए जिस समय उसके अंदर में सब चिंता का आवेग आवे उसी समय हैमरिंग करना चाहिए, रॉड जब गर्म हो उसी समय हैमर करना होगा। और सब समय आदमी के अंदर ये टेंडेंसी है, कोई भी चीज ऊपर उठाने के लिए ताकत लगता है, छोड़ दोगे नीचे गिर जाएगा। ताकत लग रहा है इसका मतलब ऊपर उठ रहा है, जीवन गर्दन की ओर बढ़ रहा है। तो उस लड़के लोगों को जिस समय वो अम्यूज हो गया ठाकुर जी के संबंध में जान करके, कोशिश करोगे उसी समय उसको दीक्षा दीक्षित करने का, तब देखोगे स्टेबल हो जाएगा। यही तो है खेल वित्तीय प्रवृत्ति का और इष्ट को लाने का। नेक्स्ट। हाँ हाँ बोलिए बालमुकुंदा। बोलिए बोलिए। कोई प्रश्न ही नहीं है। वाह, प्रश्नामा रोस्तो जा, सही तो सारे प्रश्न के उत्तर तो ठाकुर हैं, और लाखों क्वेश्चन का उत्तर देखे गए हैं। हम लोग यदि नहीं ढूंढेंगे तो इधर उधर से प्रश्न का उत्तर खोजेंगे तो राजूदा इस पूरा पूरा उत्तर ठीक ठीक दे नहीं पाएंगे। ठाकुर का प्रश्न का उत्तर ठाकुर से ही लेना सबसे अच्छा है। हम थोड़ा सा आपको हेल्प कर दे रहे हैं, जैसे आप भी हमें हेल्प करते हैं हम भी हेल्प करते हैं। हाँ विश्व रंजन बताओ भाई। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। क्वेश्चन तो सारे ले लिए, मेरा जो इंटरेस्ट है बहुत अच्छा बात है कि जब ये माहौल में कोरोना के माहौल में आचार्य श्री श्री दादा हमको कर्म का यज्ञ में जोग देने के लिए बोल रहे हैं, सबसे बड़ा चीज है। ठाकुर जी का कहा हुआ है, भालो देखार चोक द्वंद्व बाधा विघ्न देखे सुवर्ण सुयोग। तो हम इस सुजोग का फायदा ले और सबसे पहले हम टारगेट ले, जब हम गोल सेटिंग नहीं करेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। जब तक हम लोग वैसे बोलते चले जाएंगे कुछ नहीं हो पाएगा। हम ऐसा है विश्वरंजन, मैं ये तो पहले अटेम्प्ट है, कोशिश है एक साथ आने का, एक अलग हम लोग आईडी ले लेंगे पूरा यूथ फोरम का, और नेक्स्ट एक महीना या डेढ़ महीने या दो महीना में हम लोग फिर बैठेंगे। आज जो जो बातें डिस्कस हुई है उसमें एडवांसमेंट कितना हुआ है, उसको आगे कैसे ले जाएंगे और नेक्स्ट के लिए हमारा क्या टारगेट है, इसको हम लोग देख लेंगे। इस बीच में सुजोग संधान करके मैं बावेदा से पूछ बात बावेदा से मैं जान लूंगा कि ऐसे ऐसे हम लोग इन बातों को डिस्कस किए हैं और ऐसे ऐसे टारगेट रखे हैं, वो जो बोलेंगे फिर उस अनुसार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये एक अटेम्प्ट है, कोशिश है, और ये आईडी सिर्फ यूथ लोग, यूथ ऑफ बिहार के लिए एक अलग हम आईडी ले लेंगे, ऐसा बात हुई है मुझे, हम लोग ठीक कर लेंगे इसको। और नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर फॉलो अप करने वाले, हम छोड़ने वाले जीव नहीं है, धक्का लेते रहेंगे देते रहेंगे और धक्का लेते रहेंगे। आचार्य देव सोते जाते उठते जागते सब समय जो कर्म की बात बोल रहे हैं, और हम लोग अपना नींद ये हराम यदि नहीं करें उनके लिए तो ये हम लोगों का उनके प्रति अकृतज्ञता होगी। इसलिए तुम लोगों का भी काम है कि जैसे बहुत बड़ा दीवार देने में बीच बीच में पिलर लगाने की जरूरत है, यू ऑल आर पिलर्स, तुम लोग पिलर बन बन करके ये सारे जो आज ईंट लगाया जा रहा है इस सबको ठीक करके रखो, बांध करके रखो, ठीक है? ठीक है। और आदित्य, हेलो आदित्य जी दादा, मैं बोल रहा हूँ
एक ही दिन में बहुत ज्यादा कुछ करना संभव नहीं है। आज तो हम लोग करीब 400 आदमी आए हैं, तुम तो बोले थे 1500 आदमी, खोया आदमी को फिर ढूंढो। और आज जो जो बात हुआ है ये तो रिकॉर्डेड हुआ है, वो सब पॉइंट सबको कलेक्ट करो, आपस में डिस्कस करो हर लेवल पे, मुजफ्फरपुर में, ये दरभंगा में, छपरा में, पटना में, कटिहार में, अपने अपने जगह में, और ये सब को लेकर कल्चर करें। हम लोग जितना दिन जीवन है कुछ ना कुछ प्रश्न रहेगा ही, लेकिन प्रश्न रहने से हम लोग आगे चलना नहीं बंद कर देंगे, रास्ता पर चलते रहेंगे। कभी आंधी आएगा, तूफान आएगा, पत्थर आएगा, गड्ढा आएगा, बहुत कुछ आएगा, और ये सब आने का मतलब है कि हम बढ़ रहे हैं। और यदि हम शांत रूप के घर में बैठे रहेंगे तो तूफान नहीं है, धूप नहीं है, आंधी नहीं है, लेकिन मेरा आगे बढ़ना नहीं होगा। लेकिन आज से मेरा पहला स्टेप शुरू होगा। अभी जितने लोगों से तुम लोग कनेक्ट हुए हो, मैं सिर्फ आदित्य को नहीं बोल रहा हूं, सभी को बोल रहा हूं, अपने आप लोग आगे बढ़िए, साथ में सबको लेकर के बढ़ाइए, और आपस में मिलके ठीक करके नेक्स्ट हम लोग कब बैठेंगे। इस बीच में एक यूनिक आईडी करके जरूरत हुआ तो जूम में हो या अलग जगह हो, जिसमें भी हो, कमिटेड हमको सोल्जर चाहिए। ये टाइम पासिंग वाला बात नहीं, 5000 के जगह हमको 500 ही चाहिए, लेकिन कमिटेड सोल्जर चाहिए जो ताल में ताल मिला करके चल सके। ऐसा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, और बहुत अच्छा अच्छा आगे प्रोजेक्ट है। हम लोग एक साथ आकर के जब सारा चीज कोरोना का खत्म होगा, हम लोग 1-to-1 उस बात बावैदा के चरणों में आकर के हम लोग असाइनमेंट लेंगे, ग्रहण करेंगे। पहले हम लोग आगे फील्ड वर्क शुरू कर दें अभी से। वो तीन एस्पेक्ट सब समय रखेंगे, दीक्षा का 3.5 करोड़ दीक्षा, दूसरी बात है उत्सव, जो तीनों उत्सव के लिए क्या क्या कर सकते हैं आपस में चिंता करना, और ये मंदिर का मेंटेनेंस। अभी क्या है, अभी तो मंदिर जाना आना बंद है, जब सब चीज क्लियर हो जाएगा तो तुम लोग ऐसा करोगे 8-10 लड़का मिलके जॉगिंग करते हुए, वॉक करते हुए मंदिर में आके प्रार्थना करके, थानकुनी पत्ता खा के, चाय वाय पी करके निकल जाओगे। ऐसा करके बाबादा बहुत एक्टिव कर दिया है सब केंद्र मंदिर को। तो ये यंग ग्रुप जब आएगा तो एक तो पूरा एनवायरमेंट लिविंग हो जाएगा। इस तरह से हम लोग टाइम टू टाइम एक्टिविटीज को बढ़ाते चलेंगे। हम लोग करेंगे, हम लोग खूब मेहनत करेंगे दादा। अच्छा, तो अब जो है, अब जो जय राधे राधे करने बोलो। जी दादा, अब आप सभी, हम लोग दादा से बहुत सारी बात सब सुने, तो अब हम लोग जय राधे राधे की तरफ बढ़ते हैं। और एक बात बोलना बाकी रह गया है, सुनो, एक बात बोलना बाकी रह गया है कि जितने लोग आज जुटे हैं उन लोग जो गाना जानते हैं, वो लोग गाना ठाकुर जी का जो गाना यहाँ से यहाँ गाया जाता है, वो गाना सबको सीख लेंगे, जान लेंगे। सीखने का यदि इच्छा है, यदि गाना का बैकग्राउंड है तो मुझे बताएंगे, यहाँ भी व्यवस्था की जा सकती है, हमको कहेंगे। और हम लोग ठाकुर जी का जो भजन है, ठाकुर जी का भावमुखी जो भजन है, वही सब भजन ही करेंगे, उसका भी एक ग्रुप तैयार करेंगे। एटलीस्ट प्रार्थना हारमोनियम में पकड़ने वाला कम से कम 150 लड़का हम लोग तैयार करेंगे। हाँ, आज कौन करेगा जय राधे राधे बोलो उनको। जय राधे राधे, मुकेश कुमार बरौनी, टेक्निकल टीम प्लीज हेल्प देम। मुकेश जी आप ट्रायल करें, आ रही है, शुरू करें। ओके, Thank you.
जगत जननी श्री श्री वर्मा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की परम पूज्यपाद श्री श्री वरदा की परम पूज्यपाद श्री श्री वरदा की परम पूज्यपाद श्री श्री वरदा की प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा की प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा की प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा की वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितृम वंदे मातृवर्गम वंदे अहं कृष्टि देवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम युगावतारी परम दयाल परम प्रेम मोय सिद्धि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु।